नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है स्क्वायर ब्रैकेट 3 से 2/3 तकसीम, कर्ली ब्रैकेट 1 से 1/3 जमा राउंड ब्रैकेट 1 से 2/3 जमा 3 से 2/5 नफी 2 से 1/5 बार और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज जरब 2 से 3/5 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये इस क्वेश्चन में क्योंकि ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 के साथ जरब किया, 3 2 3 3 9 और 2 11 11/3 तकसीम, 3 * 3 और 1 4/3 जमा 3 * 3 और 2 5 5 15 और 2 17/5 नफी 5 * 10 = 11/5। नेक्स्ट है 13/5 और कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट है इसको हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल 11/3 तकसीम 4/3 जमा 5/3 और बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले बार को हल करना है। बार को हल करेंगे एलसीएम क्या आएगा 5, यहां पर क्या आएगा 17 और 11 जरा 13/5 11/3 तकसीम 4/3 जमा 5/3 जमा 17 में से 11 गया बाकी 6/5 और इसके बाद है 13 11/3 तकसीम 4/3 जमा इसका एलसीएम लेंगे 15 तकसीम 3 5 5 को 5 के साथ जरब देंगे 25 जमा 15 तकसीम 5 3 3 को 6 के साथ जरब देंगे 3 6 18 13/5 18 और 25 जमा करें 25 जमा 18 8 और 5 13 1 2 और 1 3 और 1 4 43 43/5 इसका 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या जवाब आएगा 15 ही आएगा 15 तकसीम 3 क्या जवाब आता है 5 5 को 4 के साथ जरब देंगे 20 जमा 15 को 15 पर तकसीम करेंगे 1 43 का 43 11/3 तकसीम 63/15 जरा 13/5 और इसके बाद है 11/3 तकसीम 63/15 जरा 13/5 11/3 जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तकसीम को तो क्या आएगा 15/63 जरा 13/5 इसको सिंप्लीफाई करें 3 * 3 3 5 15 5 * 5 तो क्या जवाब आता है 11 जरा 13/63 11 को 13 के साथ जरब देंगे 13 3 1 3 और 1 3 4 143/63 अब हम इसका 143 तकसीम 63 ये हमारे पास इसका आंसर। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स
फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 143 तकसीम 63, 63 जरब 2, 2 को जरब देंगे 3 के साथ 6, 2 को 6 के साथ 12, 126, 3 में से 6 नहीं जा सकते, हासिल या 13, 13 में से 6 के बाकी 7, यहाँ पर 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर क्या जवाब आएगा? तो 2 सही 17/63, ये है हमारे पास आंसर।